हरे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। आप सुंदर सी जोड़ी का दर्शन कर रहे हैं, गुरुदेव की जोड़ी का, जो गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी, इनकी पत्नी जी गुरुदेव, बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे वस्त्र पहने हैं। बहुत सुंदर कलर लग रहा है वस्त्रों का और दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, सभी ब्राह्मणों की सेवा, दान दक्षिणा, कपड़ा, सभी चीज़ देकर उनकी सेवा कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी जी की मुस्कुराहट बहुत क्यूट और बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव दोनों जने मुस्कुराहट के साथ महान कार्य करते हैं। पत्नी, आप पत्नी जी के, इनके बारे में तो आप जानती होंगे, कितना सुंदर भजन गाती हैं और कितना सुंदर ही अपना पत्नी होने का धर्म निभा रही हैं। गुरुदेव भी एक बेटे होने का पूरा पूरा धर्म निभा रहे हैं। 30,000 भक्तों की सेवा मजाक बात नहीं है, भक्तों बहुत मुश्किल है करना। 400 गौ माता लगा लो और 200-300 गुरुकुल बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और माताएं हैं 280 माताएं, अन्य क्षेत्र सुबह से शाम तक गौ माता, और फिर बांदरों की सेवा, हर सेवा को कार्य करते हैं, हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं और हर कार्य को समय देते हैं। गाय चरा रहे हैं गुरुदेव, आप देख रहे हैं, साक्षात ऐसे लग रहा है जैसे ठाकुर जी स्वयं अपने गौओं को फिर से एक वही खुशी, एक वही वहार दे रहे हैं जो पहले द्वारपर युग में कृष्ण अवतार में गावों ने वो पल महसूस किया था। आप देख रहे हैं बांदरों को चने खिलाना, वैसे ही हमारे कान्हा जी को बांदर हमेशा उनके साथ रहते थे, गौ माता उनके साथ रहती थी। जब भी वो अपनी पूरी मंडली के साथ गौ चराने जाते थे, ठीक वैसे ही बांदर उनके साथ जाते थे, उनके मित्र, उनके सखा। वैसे ही गुरु अनिरुद्धाचार्य जी बांदरों की भी, गौ माता की भी बहुत ही प्रेम भाव से सेवा करते हैं, वही अनुभव देना चाहते हैं जो द्वारपा भर में हमारे कृष्ण भगवान ने सभी अपने परम भक्तों को, परम प्रेमिकाओं को, सभी को सुख देने प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो यानी कि उनको सुख देकर आनंद करने की कोशिश की थी। आजकल प्रेम करते हैं, प्रेम राधा कृष्ण भगवान के नाम पर तुल्यदारी करते हैं, आजकल भोग विलासा को प्रेम कहते हैं। लेकिन पहले अगर गोपियों की तरह, राधा रानी की तरह अगर संसार में कोई प्रेम कर ले तो बहुत ही बड़ी एक बात है और वो भी साक्षात देवी का रूप है। लेकिन आजकल पहले पहला और कुछ था, अब कुछ और है।